हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 7 मार्च सीबीएसई बोर्ड मैथ्स क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। हम सेट नंबर 1 कर रहे हैं, सेक्शन ए से शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x प्लस 5 होल की स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5x माइनस 3। इस इक्वेशन का हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो करते हैं। पहले तो हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ये इस फॉर्मूले को इस पर अप्लाई करेंगे, जहाँ पे ए हमारा एक्स है और बी हमारा 5 है। तो इसे यूज़ करते हुए हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे बन जाएगा ये एक्स की स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 5 × 2 10x प्लस 25 इज इक्वल टू, इधर ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 10x हो जाएगा माइनस 6। अब इस 10x को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा बी स्क्वेयर प्लस 10x प्लस 25। ऐसे इस 10x को इधर लेकर आए, ये माइनस का हो गया, इसे इधर लेकर आए तो ये प्लस का हो गया। ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल, तो एक्स स्क्वेयर प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 31 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बी स्क्वेयर माइनस 4ac। यहाँ पे बी कितना है, यहाँ पे बी 0 है, ए कितना है 1 है और सी कितना है, सी हमारा 31 है। वैल्यू यहाँ पे रख देंगे 0 माइनस 4, ए हमारा 1 था, ये है माइनस प्लस का 31। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 2 4 माइनस का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेक्स 4 to 9 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 4 to 9 को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे करेंगे, 4 to 9 को डिवाइड करते हैं प्राइम नंबर्स से। पहले 2 से तो ये जाएगा नहीं, 2 भी एक प्राइम नंबर होता है लेकिन ये 2 पे जाएगा नहीं, तो हम 3 से शुरू करेंगे। 3 1 3, 3 4 12, 3 3 3 9। अब ये फिर 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा ये, और हमारा फिर ये 11 पे जाएगा। 11 1 11 बचे 3 3 3 11 3 33। अब ये फिर 33 पे 13 पे चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। तो हम इसे प्राइम नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 6। पहले 10 6 के गुणनफलों का योगफल पता करना है, 6 मल्टीपल ऑफ 6 फर्स्ट 10। तो फर्स्ट नंबर जो 10 6 का मल्टीपल होगा वो 6 खुद ही है, सेकेंड 12 होगा, थर्ड हमारा 18 होगा, जो लास्ट 10th नंबर होगा वो होगा 60, क्योंकि 6 का टेबल आप सभी को आता ही होगा। तो हमारे पास यहाँ पे ए हो गया है 1, डी हो जाएगा 12 माइनस 6 इज इक्वल टू 6, तो हमें एन हमारा हो जाएगा 10। हमें सम फाइंड करना है, तो एस ऑफ 10 फाइंड करना है, एन बाई 2 होता है फॉर्मूला, इंटू ए प्लस एल यूज़ करेंगे क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है। यहाँ पे एन हमारा 10 है, 10/2 इंटू ए है 6 प्लस जो लास्ट टर्म है वो 60 है, ये हो जाएगा 5। 6 प्लस ये हो जाएगा हमारा 66, मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 30, 30 × 6 = 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस इज 5 यूनिट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन, हमें डिस्टेंस दिया हुआ कि 5 यूनिट है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो करते हैं, पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, ए पॉइंट दिया है हमें 0 0, ए पॉइंट दिया है हमें 0 0 और बी पॉइंट हमें दिया है x माइनस 4।
और जो बी ए बी के बीच का डिस्टेंस है वो हमें दिया है 5 यूनिट। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ए बी इक्वल टू रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल की स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल की स्क्वेयर, ये हमें 5 दिया है। इधर एक्स टू मीन्स एक्स ही हो जाएगा, एक्स माइनस ज़ीरो तो एक्स की स्क्वेयर ही हो गया है, प्लस वाई टू हमारे पास था माइनस फोर, इधर है 0 होल की स्क्वेयर। अब दोनों स्क्वेयरिंग ऑन बूथ साइड कर देंगे हम, तो इधर हमारा 25 हो जाएगा और इधर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास अंदर आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर करेंगे माइनस 4 का स्क्वेयर करेंगे तो 16 ही आ जाएगा। तो अब हमारा है एक्स 16 को इधर ले आते हैं, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स की स्क्वेयर, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो 9x की स्क्वेयर, तो एक्स हमारे पास आ गया है 3, पॉजिटिव नेगेटिव 3 हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस ए एंड बी आर गिवन, जहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन है बी, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच इज द स्मॉलर सर्कल। हमें टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हैं जिनमें से रेडियस ए जो है वो बड़ा है बी से, हमें लेंथ फाइंड करना है जो बड़े कोड की, बड़े सर्कल की जो कोड है और जो छोटे सर्कल को टच करती है। पहले डायग्राम बनाते हैं, हमें क्या गया, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, और एक इसके ऊपर बड़ा सर्कल है, ए जो है वो बड़ा है मीन्स ये एक हो जाएगा बड़े वाले सर्कल का रेडियस और बी हो जाएगा छोटे वाले सर्कल का रेडियस, ये बी हो गया। हमें कोड की लेंथ फाइंड करनी है जो इसे यहाँ पे ऐसे टच करती है, मीन्स हमें इस साइड की लेंथ फाइंड करनी है। हम इसे ए बी मान लेते हैं, इन्हें ओ मान, इसे ओ मान लेते हैं, इसे क्यू मान लेते हैं। आप सबको प्रॉपर्टी पता है कि अगर हम सेंटर से किसी टेंजेंट पे लाइन डालते हैं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो हमारे पास ओ क्यू बी जो है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। हम यहाँ पे अब पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस के अकॉर्डिंग ओ बी स्क्वेयर, क्योंकि ये हाइपोटेनस बन जाएगा, ओ बी स्क्वेयर इक्वल टू किसके होगा, ओ क्यू के स्क्वेयर प्लस क्यू बी की स्क्वेयर। ओ बी कितना दिया है, ए की स्क्वेयर, और ये हमें दिया है बी की स्क्वेयर, और क्यू भी हमें फाइंड करना है, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू बी होल की स्क्वेयर। हमें क्यू बी चाहिए तो रूट निकाल कर देंगे इसका, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हमें ये अब से इतनी लेंथ आई है इसका डबल कर देंगे तो हमारे पास पूरा आ जाएगा क्यू बी इक्वल टू टू ऑफ, सॉरी क्यू बी नहीं, ए बी इक्वल टू टू ऑफ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि जो सेंटर से हम लाइन डालते हैं वो उसे आधे आधे बाइसेक्ट करती है, अगर ये जितनी ये होती है उतनी ही ये होती है, इसीलिए हमने इसका डबल कर दिया तो हमारे पास ये पूरी लाइन आ जाएगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, इन फिगर 1, इस फिगर में पी एस जो है वो 3 सेंटीमीटर दे रखी है, क्यू एस 4 सेंटीमीटर दी है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल ये थीटा दिया है, पी एस क्यू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री दिया है, पी क्यू जो है वह परपेंडिकुलर है आर क्यू पे, एंड आर क्यू जो है वो 9 सेंटीमीटर है, हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल पी एस क्यू है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। तो हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड थीटा करना है हमें, तो उसके लिए हमें इस साइड, इस ट्रायंगल की, पी क्यू आर ट्रायंगल की दो साइडें पता होनी चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ एक ही साइड पता है, तो अगर हम दूसरी साइड निकाल लें तो हम थीटा को फाइंड कर सकते हैं। दूसरी साइड हम कहाँ से निकालेंगे, इस राइट एंगल ट्रायंगल की, क्योंकि इसकी दो साइडें हमें गिवन है और जो इसकी थर्ड साइड है वो इसकी भी साइड है, तो हम P
P Q S पे पाइथागोरस लगाएंगे, ये 3 है ये 4 है, अगर हम जब पाइथा लगा के सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगी 5। अब हमारे पास पी क्यू आर में ये 5 हो गई है, ये 9 हो गई है, हमें टेन थीटा ही फाइंड करना था। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा 5 आ गया है और बेस हमें 9 दिया हुआ था, तो यही हमारा आंसर हो जाता है, टेन थीटा हमारा होता 5/9। इसका एक और पार्ट भी है, और पार्ट में हमें दिया है इफ टेन अल्फा इज इक्वल टू 5/12 फाइंड द वैल्यू ऑफ sec अल्फा। आपको इससे पहले सॉल्व करना था कि tan अल्फा क्या होता है, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, जो कि हमें दिया है 5/12, मीन्स जो परपेंडिकुलर है वो 5 है और जो बेस है वो बेस जो है वो 12 है। पाइथागोरस लगा के हम निकाल लेते कि हाइपोटेनस जो है वो 13 आ जाता, आपको पाइथागोरस लगाना आता ही होगा, आप पाइथागोरस लगा के एच निकाल सकते थे, जब आपके पास पी बी एच आ गया तो आप सेक का आसानी से निकाल सकते हो। सेक अल्फा क्या होता है, वो होता है 1/cos अल्फा, कोस क्या होता है, कोस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, मीन्स ये हो जाता है एच ओवर बी, एच आपके पास 13 आ चुका है और बी आपको 12 दिया था, तो ये आपका आंसर हो जाता है इसका, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट सेक्शन बी शुरू हो गया, सेक्शन बी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो को 1-2 घंटे के अंदर ही डाल दूंगा, आप तब तक इसे देखिए। अगर आप पंजाब बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी इस टाइप के क्वेश्चन मिले, क्योंकि पंजाब बोर्ड का भी पेपर हुआ नहीं है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।